हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कीबोर्ड के ऐसे राज के बारे में जो शायद आपको नहीं पता होगा। जी हाँ दोस्तों, कीबोर्ड सभी लोग यूज करते हैं लेकिन उसमें सिंपल टाइपिंग करते हैं, लेकिन दोस्तों इस कीबोर्ड में ऐसे राज छुपे हुए, ऐसे फीचर्स हैं जो शायद आपको नहीं पता होंगे। बहुत ही बढ़िया फीचर्स हैं, बहुत ही मज़ेदार फीचर्स हैं। तो देखने के लिए दोस्तों सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा, तो वीडियो को आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड को ओपन कर लेना है। आइए मैं कीबोर्ड को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर कीबोर्ड ओपन करने के बाद दोस्तों आपको मैं सारी सेटिंग्स और सारे फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ऊपर में गूगल का जो है लोगो बना हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों इस वाले फीचर्स में आप किसी भी चीज़ को सर्च करके उसे डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर यार वेदर है, न्यूज़ है, न्यूज़ पर मान लीजिए मैं सर्च करता हूँ और दोस्तों यहाँ पर देखिए न्यूज़ आ जाएंगे। यहाँ से आप शेयर पर क्लिक करके आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ से न्यूज या कोई और भी चीज़ शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ, मान लीजिए मैंगो। देखिए दोस्तों मैंगो टाइप करने के बाद यहाँ पर मैंगो का एक चित्र भी आ गया, यहाँ फोटो। यहाँ से आप फोटो डायरेक्ट यहाँ से सर्च करके भेज सकते हैं। तो दोस्तों इस गूगल वाले ऑप्शन में आप कुछ भी सर्च करके आप यहाँ से डायरेक्टली भेज सकते हैं। दूसरा नंबर दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर स्टिकर्स काफ़ी सारे दिए हुए हैं, यहाँ से आप स्टिकर्स सेंड कर सकते हैं। किसी भी तरह का आप स्टिकर्स यहाँ पर सेंड कर सकते हैं इस तरह से। आगे मैं बहुत बढ़िया बढ़िया फीचर्स बताने वाला हूँ, वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए, चिंता ना करिए, बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाली है। आगे बहुत ही बढ़िया फीचर्स आने वाले हैं, तो वीडियो को बस लास्ट तक देखते रहिए। तो दूसरे नंबर पर दोस्तों GIF, यहाँ पर GIF पर क्लिक करके आप कोई भी GIF भेज सकते हैं, जैसे हाई, फाइव, नर्वस, अपने हिसाब से आप यहाँ पर चूज करके भेज सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है आपको। यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक करना है, यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, थीम चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे आप इसको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे। मान लीजिए मैं थीम पर क्लिक करता हूँ तो आप कोई भी यहाँ पर थीम ले सकते हैं और उस पर क्लिक करके आप उसे सेव भी कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर मान लीजिए ब्लैक ले लेता हूँ, अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर थीम अप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ब्लैक आ चुका है। अब मैं इसको फिर से बदल देता हूँ, तो आपको सेटिंग्स पे जाना है, थीम पर जाना है और यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेना, अप्लाई कर देना, यहाँ पर थीम अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप कोई भी थीम अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से आप डाउनलोड करके भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कई सारे दिए हुए हैं, तो इस तरह से आप थीम बदल सकते हैं। तो इसमें कई सारे ऑप्शन भी है, टेक्स्ट करेक्शन है, मान लीजिए इसमें आप सेटिंग्स कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो कई सारे ऑप्शन आपको इसमें मिल जाते हैं। आइए मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, आइए आपको सेटिंग्स बता देता हूँ फीचर्स। तो दोस्तों यहाँ पर है गूगल ट्रांसलेट ऑप्शन है यहाँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप कुछ भी टाइप करेंगे, मान लीजिए आप इंग्लिश में टाइप करते हैं और आपको हिंदी में करना है, तो इस तरह से आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ मैंगो, देखिए यहाँ पर हिंदी में टाइप हो गया आम। जैसे आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं हाउ आर यू, ये यहाँ पर अपने आप लिख के आ गया क्या हाल है। तो इस तरह से आप यहाँ पर डायरेक्टली ट्रांसलेट करके भी मैसेज को सेंड कर सकते हैं। आइए मैं आगे सेटिंग्स दिखा देता हूँ, बैक करेंगे और यहाँ पर देखिए 3 लाइन मिल जाता है, यहाँ पर आपको क्लिक करेंगे। इसमें दोस्तों काफ़ी मज़ेदार फीचर्स है, आप वीडियो को बस देखते रहिए, इसमें काफ़ी मज़ेदार फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर थीम मिला हुआ है आपको, यहाँ पर थीम यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए क्लिप बोर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिप बोर्ड करके ऑन करके इसमें कोई ख़ास नहीं है, आपको इसे छोड़ देना है। टेक्स्ट एडिटिंग है दोस्तों यहाँ पर, शेयर कीबोर्ड है और अनहैंडेड है। वन हैंडेड और फ्लोटिंग का ऑप्शन जो है दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण, बहुत ही बढ़िया फीचर्स है। तो वन हैंडेड में दोस्तों क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो कीबोर्ड छोटा हो गया, आप यहाँ पर वन हैंडेड का मतलब है कि आप एक हाथ से इसे आसानी से इस्तेमाल कर ले, इसलिए इसे वन हैंडेड बनाया गया है। यहाँ से दोस्तों आप इधर उधर भी कर सकते हैं और यहाँ से दोस्तों आप इसे अपने हिसाब से छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं, इस तरह से इधर उधर भी कर सकते हैं। यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा, तो यहाँ से आप डायरेक्टली इसे बड़ा भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों है फ्लोटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर फ्लोटिंग पर क्लिक करना है। फ्लोटिंग पर क्लिक करने के बाद दोस्तों जो कीबोर्ड वो आपका फ्री हो जाएगा, आप इसे कहीं पर भी ले जा सकते हैं इस तरह से, इससे आप काफ़ी आसानी से टाइपिंग कर सकते हैं इधर उधर ले जाके। तो दोस्तों ये काफ़ी बढ़िया फीचर्स था। उसके बाद दोस्तों यहीं पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर इसे बंद कर देंगे, तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ से मैसेज सेंड कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई मैसेज टाइप करता हूँ, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्लस का आइकन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे
और यहाँ पर देखिए इमेज टेक फोटो कॉन्टेक्ट बुकमार्क वीडियोज शॉर्ट वीडियोज रिकॉर्ड ऑडियो थीम ऑडियो शेडोज नोट्स फाइल्स काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें से आप कोई भी सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर टेक फोटो पे करके फोटो क्लिक करके भेज सकते हैं, इमेज पे क्लिक करके आप कोई भी इमेज इसमें से भेज सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी, काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लगातार आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे।